बंगाल से अलग होने के बाद जब से असम राज्य की स्थापना हुई है तभी से वहां रहने वाले बांग्ला भाषी और असमिया भाषी लोगों में विवाद है। हालांकि असम में बांग्ला भाषी असमिया के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में बांग्ला भाषी लोग राजनीतिक दलों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि जितना विकास असमिया भाषी लोगों का हुआ उतना विकास उनका नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए। देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें से एक असम भी है, जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से सत्ता को बचाए रखने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने इस पुराने किले को वापस पाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है। दूसरे राज्यों के मुकाबले कांग्रेस असम में ज्यादा जोर इसलिए भी लगा रही है क्योंकि असम कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी के सत्ता में आने से पहले यहां लगातार 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन साल 2016 में हुए विधानसभा में बीजेपी की लहर में कांग्रेस के हाथ से असम की सत्ता चली गई और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। वैसे असम राज्य की अपनी कई चुनौतियां हैं, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है, असमिया भाषी हिंदू और मुस्लिम और बांग्ला भाषी हिंदू और मुसलमान। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच भाषाई लड़ाई आज की है, बल्कि जब से असम राज्य बंगाल से अलग होकर अस्तित्व में आया तभी से इन दोनों के बीच की शुरू हुई लड़ाई आज भी जारी है। राज्य में चुनावी शोरगुल अपने चरम पर है। तमाम सियासी योद्धा अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर गुणागणित लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच असम में रह रहे बांग्ला भाषी हिंदू और मुस्लिम सभी पार्टियों से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। असम में रह रहे बांग्ला भाषी वोटर्स के तमाम राजनीतिक दलों से नाराजगी के पीछे एक बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल इनका कहना है कि जब से असम बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना तभी से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ना तो राजनीतिक तौर पर उनका विकास हुआ, ना ही आर्थिक रूप से। हाँ, एक बात जरूर है कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनके पास वोट मांगने सभी दलों के लोग आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता या फिर कोई भी दल उनकी सुध नहीं लेने आता। वहीं असम की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि जब असम बंगाल के साथ था तो बड़ी संख्या में इस इलाके में बांग्ला भाषी लोग रह रहे थे, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। वहीं जब बंटवारे के बाद असम अलग राज्य बना तो यहां रहने वाले बांग्ला भाषी हिंदू और मुसलमान दोनों यहीं रह गए। हालांकि उनकी संख्या असमिया भाषा लोगों की तुलना में काफी कम थी, लेकिन निचली असम में इनकी संख्या असमिया लोगों से ज्यादा है। यही वजह है कि असम में रह रहे बांग्ला भाषी लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। साथ ही उन लोगों का यह भी कहना है कि विकास के दावे तो सभी करते हैं, लेकिन अगर असल में विकास देखना है तो असम के निचले हिस्से में आकर देखें कि हमारा कितना विकास हुआ है। 15 साल तक कांग्रेस ने प्रदेश में राज किया, लेकिन एक बार भी उनकी किसी ने सुध नहीं ली। वहीं जब 2016 में राज्य में बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें उनसे उम्मीद जगी, लेकिन आज जब 5 साल बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं तो अपने आप को हम आज भी उसी जगह पर पाते हैं जहां पहले थे। विकास की बातें तो सिर्फ चुनावी भाषणों में ही दिखाई देती हैं। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ दल बीजेपी असम में हर वर्ग के विकास का दावा कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों को अपने काम की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। अब जो पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। बीटीएडी के क्षेत्र में जनजातीय बाहुल आबादी वाले गांवों में शामिल करने के लिए एक आयोग बना दिया है। बीटीसी की सीटें बढ़ाने के लिए एक आयोग बना दिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का रूप में दोबारा नामकरण बीटीआर के रूप में कर दिया है। बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का गठन भी हमने कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता देने का काम हमने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में 15 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस बीजेपी को विकास के मोर्चे पर जमकर घेर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी या फिर अन्य कोई दूसरा नेता, तमाम लोग बीजेपी के विकास के दावों को सिर्फ हवा हवाई बातें बताने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आसाम का आनंद सर्वानंद,
आंदोलित लोग कर रहे कोई आनंद नहीं, लेकिन आनंद तो मिला है दोस्तों किसको, सिंडिकेट को, पूरा देश बेचने में लगे हुए। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, दो सवाल करते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, शीश नहीं झुकने दूंगा, तो जो रेलवे स्टेशन पे बेच रहे वो क्या है, यहाँ का आसाम के आई फील्ड बेच रहे वो क्या है, वो एजेंसी बेच रहे वो क्या है, एयरपोर्ट बेच रहे वो क्या है, 15 लाख दूंगा बोले थे सबके जेब से पैसा निकाल लिया ना नोटबंदी ने, जैसे अभी बता रहे सबको पैसा निकला, जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं, रोजगार तो बोला रोजगार छीन लिया, आय दुगुना करूंगा किसानों को बोले आय आधा कर दिया, ये उल्टा करने वाले लोग हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं इनके झांसे में मत आइएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव जीतना ही राजनीतिक दलों की एकमात्र मंशा है या फिर सच में विकास भी वो करते हैं, क्योंकि यहाँ रह रहे बांग्ला भाषी हिंदू मुस्लिम अपने विकास की गाथा जब सुनाते हैं तो लगता है कि चुनावी भाषणों में दिखने वाला विकास सिर्फ रैली में लोगों को संबोधित करने तक ही सीमित रह गया है, लेकिन आज भी लोग विकास की बात जो रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।